नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। चक्रवाती तूफान गुलाब रविवार की रात ओडिशा और आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों से टकराया और उसके बाद से अब वो कमज़ोर पड़ गया है और अब कलिंगापट्टनम से 20 किलोमीटर उत्तर की दिशा को पार कर गया है। अगले 12 घंटे के दौरान इसके करीब पश्चिम की ओर बढ़ने और एक डिप्रेशन में कमज़ोर होने की संभावना है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवात अब उत्तरी आंध्र और उसके सटे दक्षिण ओडिशा में पिछले 6 घंटों के दौरान पश्चिम की ओर बढ़ा है और 27 सितंबर की सुबह 5:30 बजे दक्षिण उड़ीसा और उससे सटे उत्तरी आंध्र, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से करीब 110 किलोमीटर दक्षिण SE और पश्चिम में 140 किलोमीटर कलिंगापट्टनम की तरफ चला गया। आज इसकी वजह से उड़ीसा के कोरापुट, यार्डगड़ा और गजपति जिलों में भारी बारिश की संभावना है और इन इलाकों में हवा की गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आंध्र प्रदेश में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है। कई जगहों पर बिजली के खंभे, पेड़ उखड़ गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चक्रवाती तूफान गुलाब के मद्देनज़र ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों नवीन पटनायक और YS जगन मोहन रेड्डी से बात की और इससे पैदा हुई स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने दोनों मुख्यमंत्रियों को हर संभव केंद्रीय मदद का आश्वासन भी दिया। तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापत्तनम, जबकि ओडिशा के गंजम, गजपति जिलों के प्रभावित होने की आशंका है। इसके अधिकतम गति 95 किलोमीटर तक होने का अनुमान जताया गया है। NDRF ने दोनों राज्यों में अपनी 18 टीमों को तैनात किया है और इसके अलावा दूसरी टीमों को तैयार रखा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।